अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे इंशाल्लाह। तो हमने जहाँ पर अपना ब्लॉग एंड किया था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में छत पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता है, यूके में तो हम छत पर चढ़ ही नहीं सकते। हमारे घर की छत से बहरीटोन की ग्रैंड मॉस्क का ये व्यू है। अब जो सामने बिल्डिंग नज़र आएगी वो बनेरा कंट्री क्लब रेस्टोरेंट है। इनके पास दो तीन शेर भी हैं जो कि हमें सुबह सुबह ही उठा देते हैं। हमारी फैमिली में कुछ शादियां भी हैं और हम लोग शॉपिंग के लिए निकल गए और बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ के लिए चले गए। ये वीडियोस बच्चों ने खुद ही रिकॉर्ड की हैं। बहरीटोन में छोटा सा सफारी है ये। सबसे पहले इनसे मिलिए मासूम से डियर। मंकी अपने ट्रिक्स दिखा रहा है। सुभान अल्लाह, ये पीको कितना प्यारा लग रहा है और कितने आराम से खड़ा है। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। आई थिंक ये तीतर है। ये कितने नोटी हो रहे हैं। और ये ऑस्ट्रिच किसको ढूंढ रहा है? ये तीतर कितना शोर कर रहे हैं। यहाँ का रेस्टोरेंट काफी अच्छा और एटमॉस्फेयर भी पीसफुल है। शेयरिंग इज केयरिंग, वेरी गुड। आइसक्रीम तो आर्टिफिशियल लग रही है। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जब हम ओएसिस गए। ओएसिस बेसिकली इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज का एक रिजॉर्ट है और ये आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स की प्रॉपर्टी है। और इसमें आने के लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है और दूसरा ये कि इसकी बुकिंग ऑनलाइन की जाती है। यहाँ पर बहुत तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो कि मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। जैसे कि यहाँ पर बच्चे हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर जब भी आपके आने का प्लान बने तो जितना अर्ली हो सके आप आएं क्योंकि पूरा दिन भी यहाँ पर कम पड़ जाता है। यहाँ पर कुछ वाटर एक्टिविटीज ऐसी भी हैं जो सिर्फ समर में होती हैं। हम जब भी यहाँ पर आते हैं हमें हमेशा बहुत फन होता है। मैं तो इसको पानी वाला ट्रैक्टर कहूंगी। जो एक्टिविटीज मुझे याद रह गई हैं उनमें है आर्चरी, बोटिंग, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, गोल्फ। तो गाइस इस रेस कार्ड को तो आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। प्लीज आहिस्ता चलाएं। अकॉर्डिंग टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रूल्स इनकी जिप लाइनिंग हमें बहुत अच्छी लगी। ओएसिस में आज हो तो टाइम गुजरने का एहसास ही नहीं होता। आप देख सकते हैं कि सनसेट होने को है। फिर देखते ही देखते रात हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी नाइस एंड फन डे। ये किसी और दिन का क्लिप है जो कि हम लोग बॉलिंग क्लब के और ये डिफेंस में है। यहाँ पर भी बच्चों ने खूब इंजॉय किया। आप मेरी इस बात से अग्री करेंगे कि फैमिली के साथ गुजारा हुआ टाइम चाहे गेम्स खेलकर ही क्यों ना हो वो आपके लिए मेमोरेबल बन जाता है। माशाल्लाह हर गेम के खिलाड़ी मौजूद हैं। वाह जी वाह, नियरली स्ट्राइक होने वाला था।
तोबा तोबा रिस्की राइड। वापसी पर इतनी फॉग हो चुकी थी कि हमें हैजर लाइट्स ऑन करनी पड़ी और स्पीड बहुत आहिस्ता थी गाड़ी की। ये राउंड अबाउट बहरिया टाउन का है और इसको क्या कहते हैं, तलवार चौक। ये देखे किस कदर डेंजरस ड्राइव कर रहा है बाइक वाला। अल्लाह ताला हम सबको एहतियात से गाड़ी चलाने की तौफीक दे। ये बहरिया टाउन की ग्रैंड मॉस का नाइट में व्यू है और ये बहुत बड़ी है और इसमें एक वक्त में 70,000 नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं माशाल्लाह। ये मिनी आइफल टावर देखें जो कि बहरिया टाउन में है। तो गाइस ये वाला व्यू न्यू ईयर नाइट का है जो कि हम एक बिल्डिंग की छत पर खड़े थे और वहां से हमने कैप्चर किया था और लोग यहां पर दूर दूर से फायरवर्क देखने के लिए आए थे। बहरिया टाउन के आइफल टावर के साथ साथ आप फायरवर्क भी देख सकते हैं। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ये नया साल है और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इसमें सेहत, अमन, सलामती और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।